इस स्कूटी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर सवार शख्स की क्या हालत हुई होगी। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक मर्सिडीज कार सवार ने इस स्कूटर पर सवार लड़के को रौंद डाला। मर्सिडीज कार ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही स्कूटी सवार की मौत हो गई। पूरा हादसा जो है ये रविवार की देर रात करीब 11 बजे का है। इस पर 17 साल का एक लड़का बैठा हुआ था, अपने दोस्तों को अपने घर से वो दूसरे ब्लॉक में छोड़ने गया था और जब वो रिटर्न हो रहा था तब ये हादसा हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि मर्सिडीज की रफ्तार काफ़ी तेज थी और जो मौके पर CCTV फुटेज मिले हैं, जो इलाके में CCTV कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज के आधार पर पहचान हुई है कि जिस कार ने टक्कर मारी है वो एक सिल्वर कलर की मर्सिडीज कार ही है। अतुल अपने माँ बाप का इकलौता था और फिलहाल वो 11वीं की परीक्षा पास करके एक दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था और अब 12वीं में जाने की तैयारी कर रहा था। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक कार टक्कर के बावजूद स्कूटी को घसीटते हुए करीब 50 फीट तक दौड़ती रही, फिर एक ट्रक में टक्कर मारते हुए भाग खड़ी हुई। मर्सिडीज गाड़ी थी वो एकदम जैसे लगते गिरा, उसके बाद वो स्कूटी को आगे घसीटता हुआ कम से कम 100-125 फीट ले गया और उस गाड़ी ने आगे जाके ट्रक को हिट भी किया। एक ट्रक को हिट करने के बाद फिर वो गाड़ी भगा के ले गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कैमरा लगा हुआ है उसमें गाड़ी का कलर आ रहा है कुछ सिल्वर ग्रे कलर का और गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी गिरे हैं, उसमें उसका मेन पार्ट्स उसका लोगो भी था जाली के साथ साथ। लोगो मर्सिडीज गाड़ी का ही था और लोगो और जो पार्ट्स थे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दे दिए गए हैं। भाई हम तो यही चाहेंगे ना कि बच्चा तो चला गया हमारा, लेकिन जो जिसने इतना फैटल एक्सीडेंट किया है कम से कम उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस अब मौके से मिले सबूतों और CCTV कैमरे की तस्वीरों के जरिए कार सवार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।